हर बार we have a breakthrough, somehow you're always there to just screw it up for us. के हम लोगों और पीएमओ के कुछ कोर मेंबर्स के अलावा प्राइम मिनिस्टर सर के पीए तक को नहीं पता होना चाहिए कि हमारा प्लान क्या है. अगर पुलवामा के बाद भी आग जलाए रखनी है तो इनके दिल में हमारा खौफ वापस. हेलो शैला, एक महीने पहले मैंने तुम्हें एक पार्सल भिजवाया था और कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो पार्सल चालिक को भेज देना. लगता है चालिक को वो पार्सल भेजने का समय आ गया है. वेयर इज द प्लान गिदियन गवरी? Shiva, my heartfelt condolences. पति को मरे 4 दिन भी नहीं हुए और इतनी जल्दी मॉर्निंग खत्म हो गई तुम्हारी? क्यों, मेरे काले कपड़े नहीं दिखाई दे रहे तुम्हें? एनीवे, मुझे यहां क्यों बुलाया? मरने से 1 महीने पहले ये बुक मॉस्को से भेजी थी राज ने तुम्हारे लिए. कहा था अगर उसे कुछ हो जाए तो इसे तुम तक पहुंचा दूं. तुम लोगों की बचपन की यादें एंड ऑल दैट क्रैप. थैंक यू चार्ली. राज और भी काफी कुछ छोड़ गया तुम्हारे लिए. चाहो तो वो भी तुम्हारा हो सकता है. यू आर हॉट शैला. आई नो, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं अपने दोस्त के साथ गद्दारी करूं. और अगर मैं राज को जानता हूं तो उसने मेरे लिए भी काफी कुछ छोड़ा. सी, यहां पूरी लाइब्रेरी है और ये एक बुक के पीछे पड़ा है. अगर तू ये डीवीडी देख रहा है तो ब्रेकिंग न्यूज ये है. कम ऑन, नॉट अगेन. हेलो नैना, तुमने मेरा कंप्यूटर फिर से हैक किया. अब क्या करे चार्ली, यही तो एक तरीका है तुमसे फोन करवाने का. नैना बी सीरियस, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डीवीडी देखनी है. तुम पॉर्नो तो नहीं देख रहे? मुझे नहीं पता था कि तुम जैसे पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप्स भी पॉर्न देखते हैं. मैं पॉर्न नहीं देख रहा हूँ. व्हाटएवर, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि मेरा कोर्स खत्म हो गया है. फॉर योर इन्फॉर्मेशन, नाउ आई एम अ मास्टर्स इन कंप्यूटर्स विद अ गोल्ड मेडल. वेल डन.
you doing, Hody? Come on, jump in my car. We'll go for a drive. Hello. Hang out. We'll do some stuff. Hello, Nena. Are you there? Nena? दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि कल मैं वापस इंडिया आ रही हूँ. Really? Fantastic. चलो, आप मेरा कंप्यूटर ठीक कर दो. अपने कंप्यूटर पे प्यार से मेरा नाम टाइप कर देना, अपने आप ठीक हो जाएगा. पर प्यार से, ओके? ठीक है, प्यार से. अगर तू ये डीवीडी देख रहा है तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रशियन माफिया ने मेरा गेम बजा दिया है और आज मैं तुझे ये कहानी सुनाने जा रहा हूं. ये कहानी शुरू होती है 1915 में, वर्ल्ड वॉर वन में, जब जर्मनी की आर्मी रोमेनिया की राजधानी बुकारेस्ट तक पहुंची तो रोमेनिया की सरकार ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी, अपने साथ जरूरी कागजात और खजाना लेकर. रशिया के जार ने एक अच्छे पड़ोसी होने का सबूत देते हुए वो खजाना अपने पास रखना कबूल किया जंग खत्म होने तक. तो इस तरह 15 अक्टूबर 1916 को टन्स ऑफ गोल्ड ट्रेन के जरिए रोमेनिया से रशिया लाया गया. पर जंग खत्म होने तक रशिया की सरकार पलट गई. नई कम्युनिस्ट सरकार ने रोमेनिया से कहा, आप कौन हो भाई कि सोने की बात कर रहे हो? और पिछले 95 सालों से वो सोना रशियन जार के विंटर पैलेस में बंद पड़ा है. पर कहानी में ट्विस्ट इस साल आया. रशिया ने फाइनली माना कि जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ और इस 15 अक्टूबर को वो सोना वापस रोमेनिया पहुंचा रहा है, ठीक उसी तरह ट्रेन से जैसे कि आया था. प्योर रोमेनियन गोल्ड जिसकी कीमत आज 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है. सोने के बिना अगर रोमेनिया 95 सालों तक रह लिया तो आगे भी रह लेगा. और रशिया का तो ये कभी था ही नहीं. अब जिसका कोई नहीं उसका या तो खुदा होता है या तो हम जैसे शरीफ आदमी, है ना? जाते जाते बस एक और टिप देना चाहता हूं तुझे चाली. वो गलती मत करना जो मैंने की. ये काम किसी एक आदमी के बस का नहीं है. यू नीड अ टीम चाली, अ टीम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर्स. और एक ही आदमी है जो तुझे वो टीम दिला सकता है, हम सबके गुरु विक्टर दादा. विक्टर सर, यही उस घर की तिजोरी है जहाँ पर चोरी हुई. 3 हफ्ते हो गए हैं पर हम अभी चोर को नहीं पकड़ पाए. अगर एक शातिर चोर को पकड़ना है तो पहले उसे समझो. एक पुलिस वाले की तरह नहीं, एक चोर की तरह सोचो. चोरों के 3 रूल्स होते हैं जो उन्हें पुलिस वालों से अलग करते हैं. रूल नंबर 1, चोर एक तरह का आर्टिस्ट होता है और कोई भी आर्टिस्ट अपने हुनर से गद्दारी नहीं करता. एक पुलिस वाला अपना काम भूल जाएगा पर एक चोर नहीं. रूल नंबर 2, रिटायर सिर्फ पुलिस वाले होते हैं, चोर नहीं. वंस अ थीव ऑलवेज अ थीव. तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, एक पुलिस वाले का दिमाग भागते भागते थक कर जब बैठ जाता है, एक शातिर चोर का दिमाग वहां से दौड़ना शुरू करता है. ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमारी खा रहे हैं और हमारी बजा रहे हैं? विक्टर सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने FIR गलत लिखा है. ये मामला 40 लाख के गहनों की चोरी का है ही नहीं. आइए CA साहब, मेरी मदद कीजिए. तो चलिए वो 2 तस्वीरें गौर से देखते हैं, एक चोरी से पहले की और दूसरी चोरी के बाद की. कुछ फर्क नजर आया दोनों तस्वीरों में? कुछ समझ में नहीं आया. मतलब ये कि चोर को मलिक साहब की पेंटिंग चाहिए थी जो वो ले गया और उसकी जगह नकली पेंटिंग लगा गया. नकली पेंटिंग? ये देखिए ये असली पेंटिंग है. इसके सिग्नेचर का स्ट्रोक देखिए कैसा है, नीचे छोटा है ना.
और ये देखिए, ये नकली पेंटिंग है, इसके नीचे के सिग्नेचर का स्ट्रोक देखिए, लंबा हो गया ना। ये काम किसी औरत का है। ये कैसे कह सकते हैं आप? ये हमारे सीए बताएंगे। चोरी के पहले ये वाज यहां था, लेकिन चोरी के बाद ये अपने आप यहां से यहां आ गया। ये एस्थेटिक्स किसी आदमी के नहीं हो सकते। अब तो समझ गए ना? यस सर। चोरनी अगर पकड़ी गई तो मिठाई जरूर खिलवा देना। जरूर सर, जरूर। कैसा तू? ठीक हूँ। और मेरी बच्ची नैना? आपकी बच्ची अब बड़ी हो गई। अरे हाँ, 10 साल चले गए यार, 10 साल। वो आई क्यों नहीं? क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहती? कल ही वापस आई है तो थोड़ी बहुत जेट लैग थी। रहने दे यार, रहने दे, मैं उसे जानता हूँ। मेरे पे गई है, वो ऐसे नहीं मानेगी। दादा एक और बात थी। हाँ? ये वो 80 एकड़ की जमीन है जो आपने शिमला में देखी। ये हमारी स्टूडेंट डॉर्मेट्री है, यहाँ हमारे स्टाफ क्वार्टर्स, और वो इतने बढ़िया होंगे कि इंडिया के बेस्ट टीचर्स सब कुछ छोड़ के यहाँ पढ़ाना चाहेंगे, और यतीम बच्चों के लिए यहाँ सारी फैसिलिटीज होंगी दुनिया में कम्पीट करने के लिए। इन शॉर्ट, मेरा अधूरा सपना। आपका सपना पूरा हो सकता है। कैसे? आपका सीए हूं, कुछ तो सोच के आया होगा। तुमने कुछ सीधा तो नहीं सोचा होगा? 100 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर सपने पूरे करने हो तो सीधा तो नहीं सोच सकते ना दादा। आपसे ही सीखा है। राज की मौत के बारे में सुना होगा आपने। वैसे उसे ये काम अकेले नहीं करना चाहिए था। इसमें वो लीड है जो हमें राज से मिली है, और इसमें वो प्लान जो मैंने सोचा है। लेकिन आपका साथ चाहिए दादा, और कुछ प्लेयर्स भी जो सिर्फ आप दिला सकते हैं। तुम जानते हो कि मैं रिटायर हो चुका हूं। रूल नंबर 2, रिटायर सिर्फ पुलिस वाले होते हैं। दादा आपने मेरे, राज और हमारे जैसे कितनों के सपने पूरे किए हैं। मैं बस यही चाहता हूं कि आपका ये एक देखा हुआ सपना पूरा हो जाए। दादा, नैना कह रही थी कि आपको कोई प्रॉमिस के बारे में याद दिलाऊं। ये नैना को देना और कहना कि जेल में उसके पापा ने टोकरियां बना के कमाए हैं। पापा कैसे हैं? ठीक है ना? उनको मेरा प्रॉमिस याद दिलाया? ये लीजिए मैडम, आपके पापा ने आपके लिए दिया है, उनकी मेहनत की कमाई। तुम रो रही हो? नहीं, मैं नहीं रो रही। यस यू आर, यू आर क्राइंग। आई लव हिम चार्ली, उनकी बहुत याद आती है मुझे। इट्स ओके। 3 वीक्स, उसके बाद मेरे पापा और मैं। अगर उनके सीए को भी उनसे मिलना है ना, तो अपॉइंटमेंट मेरे थ्रू लेना पड़ेगा। ओके, डन। क्या? ओह कम ऑन नैना, मैं इन लड़कियों को जानता भी नहीं हूं। अब समझी, ये तुम्हारी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी है। हे चार्ली, हैप्पी बर्थडे चार्ली। एक सीक्रेट बताऊं, जब तक पापा वापस नहीं आ जाते मैं घर नहीं जाऊंगी।
How romantic. तो ये करते हो तुम जॉब्स के 6 महीने पहले और 6 महीने बाद? रिया, तुम गलत समझ रही हो. You know I'm a one woman man. वो तो ठीक है, लेकिन इस मैन की वो वन वुमन कौन है? 6 महीने बाद मिली हो, सिर्फ सवाल लाई हो मेरे लिए. एक गिफ्ट भी लाई हूँ. हैप्पी बर्थडे चार्ली. नाइस. ऑफ कोर्स इट्स अ मलिक. मलिक साहब, फिर तो काफी महंगी होगी. इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी रिया? एनीथिंग फॉर यू बेबी. या विक्टर दादा बिल्कुल सही थे. व्हाट? हाँ, वो विक्टर दादा से मिला था. क्या कहा उन्होंने? वो तैयार है? प्लान तो उन्हें दे दिया है. नाउ लेट्स होप फॉर द बेस्ट. सर, विक्टर सर, एम्बुलेंस जल्दी. ओह जीसस क्राइस्ट, प्लीज सेव मी. डॉक्टर साहब, प्लीज इन्हें बचा लीजिए. अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है इनसे. कमिश्नर साहब, घबराइए मत, इन्हें बचाना तो मेरा फर्ज है. हाँ तो मिस्टर बगैंजा, क्या सोचा है? ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? है तो बहुत रिस्की, लेकिन मैं इस ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ. हाँ, थैंक यू. लेकिन ये ऑपरेशन में खर्चा काफी होगा. जानता हूँ, इस नंबर पे फोन कर लेना, आपको ऑपरेशन की पूरी रकम मिल जाएगी. एक आदमी मर रहा है और ये है कि खर्चे की बात कर रहा है. ओके कमिश्नर साहब, अभी हम ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग बाहर जाएंगे प्लीज. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द ऑपरेशन. डोंट वरी, हमारा ऑपरेशन जरूर सक्सेसफुल होगा. थैंक यू. चलो. बहुत कुछ सीखना है. दादा, लेकिन हमारे प्लेयर्स? अरे, तुम्हें जो प्लेयर्स चाहिए वो सब यहीं मौजूद हैं. एक्सप्लोसिव्स एक्सपर्ट बिलाल बशीर. बचपन से इसे दो ही शौक हैं, विदेशी गाड़ियां और देसी बम. से कान से बिलाल बशीर बिलाल बहरा बन गया. फिर भी हर देश में इसके कॉन्टैक्ट्स हैं. 32 भाषाएं बोलता है ये. एक्सप्लोसिव्स और जासूसी डिवाइसेस का एक्सपर्ट. आदाब. आदाब. और ये है साडा सनी मेहरा, मास्टर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड मेकअप. वैसे ये बनना कुछ और चाहता था, एक्टर. वो शाहरुख खान का स्टाइल. शक्ल देखी अपनी? जाओ यहाँ से, निकलो. जू बीच पर फोटो खिंचाने से हीरो नहीं बनता कोई. उस दिन से इसने डिसाइड किया कि शक्लों और मेकअप का एक्सपर्ट बनेगा. लेकिन इनसे थोड़ा होशियार रहना पड़ता है, मेकअप आर्टिस्ट है ना. पेट में कुछ पछता नहीं. कुछ कहा आपने? नहीं, मैं कह रहा था कि तुम बहुत उम्दा आर्टिस्ट हो. शर्मिंदा कर रहे हो जी आप इतनी तारीफ करके. तू पैदा ही हुआ है शर्मिंदा होने. चुप्पे बेरे. क्या? कुछ नहीं. नहीं, तूने कुछ बोला. अच्छा. हाँ. लगता है दोनों की बहुत पंथी है. और ये है रॉनी, इंडिया का सबसे बड़ा इल्यूजनिस्ट, यानी कि जादूगर. Thank you.
कुछ कारणों की वजह से रॉनी ने मैजिक शो करना बंद कर दिया, लेकिन थैंक गॉड मेरे कहने पर इस ऑपरेशन के लिए मान गया। थैंक्स रॉनी। यस थैंक यू। और रिया को तो तुम जानते हो, पार्ट टाइम ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट और फुल टाइम आर्टिस्ट हमारी तरह। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मर्द है जो इसके चार्म के आगे टिक सके। अगले दिन मैंने पेपर में पढ़ा कि इन्होंने उस रात साउथ अफ्रीका के सेवंथ रिचेस्ट मैन का दिल ही नहीं तिजोरी भी तोड़ दी। बट चार्ली, तुम्हारे प्लान के मुताबिक मैं तुम्हें एक आदमी दे नहीं पाया। एक हैकर? हैकर नहीं, दुनिया का बेस्ट हैकर, स्पाइडर। वो कौन है, कहां रहता है, कोई नहीं जानता। तो फिर उसका कोई ऑल्टरनेटिव? तुम्हारा कोई ऑल्टरनेटिव है? इसका है, इसका है, इसका है। There is no alternative for the best. तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा। और एक आखिरी बात चार्ली मैस्क्रेनस, बहुत बड़ा प्रॉमिस तोड़ा है मैंने। By God, पूरा हिसाब लूंगा आखिरी ग्राम तक। वैसे सुना है ये स्पाइडर है कमाल का हैकर, नासा की दो सैटेलाइट्स हैक कर चुका है। बहन की टकियों को मून जाना था, मार्स पे उतर गई। किस स्पाइडर के बारे में बात कर रहे हो? बस अपने किसी दोस्त के बारे में बात कर रहे थे। ओ, मुझे लगा वर्ल्ड्स बेस्ट हैकर स्पाइडर के बारे में बात कर रहे हो आप लोग। तुम ये स्पाइडर के बारे में जानती हो? हाँ थोड़ा बहुत, पर वो कोई और होगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक हैकर के साथ क्या इंटरेस्ट हो सकता है? इंटरेस्ट है नैना, उसने मेरे क्लाइंट्स के लाखों डॉलर्स चुराए उनके बैंक अकाउंट्स हैक करके, है ना गाइस? हाँ जी, मेरे तो जी पूरा शोरूम ही हैक करके ले गया, बस शटर छोड़ गया। तुम्हें कैसे मालूम है स्पाइडर के बारे में? हेलो, एथिकल हैकिंग में मैंने मास्टर्स की है और स्पाइडर मेरा थीसिस प्रोजेक्ट था। क्या तुम जानती हो कि ये स्पाइडर कौन है और कहां मिलेगा? आई गॉट दिस क्लोज टू फाइंडिंग हिम अ कपल ऑफ टाइम्स। लास्ट आई हर्ड कि वो हांगकांग में था, पर मेरे ट्रैक करने से पहले वो निकल गया। बहुत स्मार्ट है, पर अगर तुम चाहो तो मैं फिर ट्राई कर सकती हूँ। That's great, Naina. Please try करो ना, हम सब के लिए। चार्ली, मुझे नींद आ रही है, थोड़ी देर सो जाओ। नहीं, मुझे कॉफी चाहिए। I got him, he caught the bait, वो फंस गया। मैंने उसका सिस्टम हैक कर लिया। स्पाइडर इंडियन है एंड वो गॉड मारूंगी नहीं, वो गोवा में है। What? क्या उसका एड्रेस मिल सकता है? उसका पोस्टल एड्रेस है एयर सोसाइटी अपार्टमेंट 304 अंजुना। लेट्स गो गाइस। गाड़ी के पास रहो। ओके जी। रिया बिलाल, लिफ्ट लेके ऊपर जाओ और उसका दरवाजा कवर करो। रॉनी, हम दोनों स्टेयर्स ब्लॉक करेंगे। ए पिज्जा बॉय, डिलीवरी दिए बिना वापस कहां जा रहे हो? Ronnie, I got him. It's the pizza boy. Everybody down.
आखिर स्पाइडर जाल में फंसी गया। तुम लोग के पास कोई प्रूफ नहीं कि मैं स्पाइडर हूँ? यू कैन अरेस्ट मी। हम पुलिस वाले नहीं हैं। तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें टिप देना चाहते पिज़्ज़ा बॉय, 1,000 करोड़ की। You'll need a team, Charlie. A team of the world's best players. ओ तेरी! इतने सोने का तो एक महल बन सकता है। प्लान क्या है? एक लाइन में बताऊं तो प्लान ये है कि सोना हम उस ट्रेन से उड़ा लेंगे जिसमें ये रशिया से रोमानिया जाएगा। Are you serious? हम एक इंटरनेशनल रॉबरी की बात कर रहे हैं और रशिया है तो माफिया तो होगा ही। तुम्हें नहीं लगता ये बहुत मुश्किल काम है? मुश्किल गिनाना तो मैंने अभी शुरू भी नहीं किया। गोल्ड जार के इस विंटर पैलेस से पूरी सिक्योरिटी कॉन्वॉय के साथ इस ट्रक में ले जाया जाएगा। फिर सोना इस रशियन मिलिट्री स्टेशन पे एक कार्गो कंटेनर में डाला जाएगा। कंटेनर के अंदर 2 लॉक हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा मैन्युअल, और इस इलेक्ट्रॉनिक लॉक का कोड सिर्फ 1 रूसी जनरल को दिया जाएगा। कमिंग टू द ट्रेन, सोने से भरे कार्गो कंटेनर को इस ट्रेन के बीच में डाला जाएगा जिसके आगे और पीछे 2 कोचेस होंगे, रशियन कमांडो से भरे हुए। ट्रेन की स्पीड सेट कर दी जाएगी और इसका प्रोग्रेस एक सैटेलाइट ट्रैक करेगा। अगर 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर कुछ भी आया, या ट्रेन धीमी हुई या रुकी, तो बस 3 मिनट के अंदर रशियन फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल कर दिया जाएगा। और यह सारी इंफॉर्मेशन वहां की न्यूज़पेपर्स में रशियन गवर्नमेंट ने खुद छपवाई है ताकि कोई अपने सपने में भी इस सोने को छूने की गलती ना करे। पर चाली भाई, हम लोग ये करेंगे कैसे? तुम लोग के नए मोबाइल्स, इसमें प्लान की सारी डिटेल्स, आप सबके इंडिविजुअल रोल्स और एक बेसिक रशियन स्पीकिंग कोर्स भी है। अगर बड़ा प्लेयर बनना है तो रिस्क भी बड़ी लेनी पड़ती है। कंग्रेचुलेशंस गाइस, तुम सब बहुत ही जल्द 1,000 करोड़ के मालिक बनने वाले हैं। सोना तो 10,000 करोड़ का है ना, और हम 6 लोग हैं। TDS काट रहे हो क्या? यू ही समझ लो, बाकी का शेयर विक्टर दादा का है। ये विक्टर कौन है? विक्टर दादा को इस टीम का नॉन प्लेइंग कैप्टन समझ लो। उनके गाइडेंस के बगैर इतनी बड़ी रॉबरी करनी नामुमकिन होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रॉबरी के बाद वहां से निकलेंगे कैसे? सही वक्त आने पर एग्जिट प्लान का भी पता चल जाएगा। सॉरी गाइस, एक्सक्यूज मी। हाँ नैना। व्हाट नैना? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं स्पाइडर को ढूंढूंगी तो तुम मुझे डेट पे ले जाओगे। नैना, आई एम रियली सॉरी। मैं भी तुमसे मिलना चाहता था लेकिन एक जरूरी काम आ गया है, इसीलिए कल मैं जा रहा हूं। और विक्टर दादा को रिसीव करने के लिए भी तुम्हें अकेले जाना होगा। पर तुम जा कहां रहे हो? अपनी लाइफ की सबसे बड़ी डील करने के लिए रशिया। आइए मैडम। थैंक यू। दिस इज आवर फिल्म यूनिट, द हीरोइन। हाय। डायरेक्टर, ही इज द कैमरामैन एंड द असिस्टेंट डायरेक्टर। हे। ओ, मेकअप मैन इज पॉट बॉय। कम से कम यहाँ तो स्टार बना दिया होता वेरे। थैंक्स, योर ट्रेन। एंजॉय शूटिंग इन रशिया। ग्रेट। मेरी बात समझने की कोशिश करो, इससे ज्यादा मैं और नहीं बता सकता। बस इतना कह सकता हूं कि इसके बाद मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम किससे बात कर रहे थे?
रशियन मिलिट्री बेस से रोमानिया तक बस एक ही टनल है और गोल ट्रेन को इस टनल क्रॉस करने में 2 मिनट लगेंगे और इन 2 मिनट के अंदर रॉनी तुम्हें अपनी ट्रिक करनी होगी एंड स्पाइडर तुम्हें रशियन सैटेलाइट को हैक करना होगा। मगर हैक करने के बाद रशियन सिस्टम सिर्फ 10 मिनट के लिए डाउन होगा, उसके बाद सिस्टम शुरू हो जाएगा वापस। इसका मतलब है कि हमारे पास बस 10 मिनट है पूरी रॉबरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। थैंक यू। ये ट्रेन कैसे चल रही है? ये जादूगर भाई सच्ची में डेंजरस आदमी है। कंटिन्यू। चार्ली, मैंने इंजन रिप्लेस कर दिया है, अब मैं ये पावर बूस्टर्स फिट करने जा रही हूँ। इफ ऑल गोस वेल तो ये खटारा दिखने वाला डीजल इंजन उस स्पीड से भागेगा जो स्पीड हम चाहते हैं। हेलो। हाँ सी, ये सब कैसा चल रहा है? उसी में लगे हुए हैं पूरी तरह इन्वॉल्व होके। अरे इतना भी इन्वॉल्व मत हो जाना कि वहां से निकलना कैसे है ये याद ना रहे, समझ गए ना? यस सर। स्पाइडी, विक्टर दादा ने एग्जिट प्लान भेजा है, जरा चेक कर लो। ग्रेट। चार्ली, चार्ली, रशियन मिलिट्री वेबसाइट हैक हो गई है। ये उन ऑफिसर्स की लिस्ट है जो उस दिन गोल्ड ले जाने वाली ट्रेन की सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होंगे। नाम रैंक के हिसाब से है। मतलब ऊपर के 2 जनरल्स सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल मिखाइल लेविट्स्की और मेजर जनरल दिमित्री योगोरोव। बिलाल, इन 2 जनरल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या खाते हैं, कितना पीते हैं और सबसे जरूरी बात, कहाँ सोते हैं। बिलाल! ओ बेरे! इन 2 जनरल्स का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो चिल्ला क्यों रहा है? क्योंकि रहने दो। तो ये है हमारे काम का आदमी। सो रिया, क्या तुम जनरल योगोरोव से मिलने के लिए तैयार हो? ऑफ कोर्स। एन ऑरेंजेस प्लीज। नर्वस? नहीं, ये जो इंतजार करना होता है ना, गॉड। I need a drink. Charlie, Yogurov aa gaya. Rhea. Хорошо вам вечером. You have to first sing me a song. Why do Indian always mix singing and sex? I see your movies. Hero gets horny, he sings, heroine gets horny, she sings. Always. So you don't like Indians?
I didn't say that. We Russians like all Raj Kapoor movies. I have seen Miram Joker, Avara, and Three Chairsobis. You're lying. Prove it. Okay. Mira Juda Kajapani. Yeah, Patlun English Tani. अच्छा हुआ इस गाने में चड्डी का जिक्र नहीं है। सिर पे लाल तभी रोशन। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हाँ, voice sample recorded. धासु लग रहा है। Smile तो कर। Japani, yeah, Patlun, English Tani. Sorpelal topi Rusi. Sorpelal topi Rusi. Pirpi dil hai Hindustani. Paji, topi ke aapki to awaz bhi Rusi hai. Planning ka time ab khatam hua. Players, let's go for gold. ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहा है। कांटा लग गया बेटे, तो पंक्चर बना। अब योगरोव को लेने हमारा आदमी जाएगा। सनी, अब तुम्हारी बारी है। ओके जी। अब 24 घंटे के लिए आराम से सो जा। वाह, क्या बात है। ठीक है, परफेक्ट पाजी। अब इसका बाप भी पहचान ले तो मेरा नाम सनी मेरा है। Принеси мне вон ту папку. Эта папка красная. Товарищ генерал. Thank you.
यो गौरव का ध्यान रखना बेरे। अबे मेरे तू उसकी फिकर छोड़ो और अपने काम पे ध्यान दे। मजाक छोड़ो सनी, जगह पर सही वक्त पे पहुंच जाना। ओके ओके। Сейчас же проверить все вагоны. Немедленно. Камера лаг гя. Вау, Чарли. Аб झंडे गाड़ने का वक्त आ गया। Это символ дружбы России и Румынии. Рота, кру, гом! Great. Yeah. निकल चुकी है, तैयार हो मैं।
स्पाइडी, योर टर्न। भाई और बहनों, रुकावट के लिए खेद है। О, нет! Что не так? Я не знаю. Проверь. Хорошо. Time starts now. हमारे पास 10 मिनट है. Buckle up, guys. मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ. Ты что-то нашел? Система повреждена. Что? Зови инженеров, быстро! Guys, मुझे गोल्ड ट्रेन दिख रही है। काम कर रहा है, उन्हें हमारी ट्रेन दिखाई नहीं दे रही। Что-то случилось? Все хорошо? कर दिया।
players. Jackpot. Yes, we did it. Love you, Charlie. Спасибо, друг. Возвращайся на рабочее место. से मिलने आता रहूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। तुम अपने शेयर का क्या करोगी? ये खरीदूंगी। My dream mansion in Wellington. अगले महीने इसका ऑक्शन है। Starting bid is $10 million. चार्ली, तुम्हें ये गोल्ड बार के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था।
रॉनी, मैंने विक्टर दादा को प्रॉमिस किया था कि आखिरी ग्राम तक का हिसाब दूंगा। हाउ लवली बेटा, इस घर को और तुम्हें कितना मिस किया है मैंने इन 10 सालों में। तो फिर आप इस घर के रूल्स भी समझ लीजिए, अगर आपको किसी से बात करनी हो या मिलना हो ओनली थ्रू मी। ओके। जस्ट ईट, दैट्स माई ऑर्डर। ओके। हेलो दादा, वी डिड इट। मैंने आपसे क्या कहा था पापा? नाना, द लार्जेस्ट रॉबरी ऑफ द सेंचुरी। 10,000 करोड़ दादा, 10,000 करोड़। अब आपका सपना पूरा होगा। ओह दादा, आई एम सो हैप्पी। काश आप आज हमारे साथ यहां होते। नाना मैं नहीं पापा, अब कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ एक चीज मांगी थी, एक प्रॉमिस कि आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, पर आपने वो भी तोड़ दी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। नहीं नैना, मैंने ये पैसों के लिए। पापा स्टॉप लाइंग। पिछले 10 सालों से मैंने अपने आप को आपसे दूर रखा सिर्फ इसलिए कि आप कोई गलत काम नहीं करें। शायद आप अपनी बेटी से प्यार ही नहीं करते। Give me a chance, नैना, let me explain. To the best team in the world. To Charlie, the best player in the world. Cheers. Bilal Bashir, आपके पास एक मौका है हमें ये बताने के लिए कि आप ये 1,000 करोड़ का क्या करेंगे? जी 500 करोड़ की मैं गाड़ियां खरीदूंगा। लेटेस्ट विंटेज हर मॉडल की एक। और बाकी के पैसे? उन गाड़ियों में पेट्रोल कौन तेरा बाप भरेगा? है? मेरे बाप के पास टाइम नहीं होगा इन फालतू चीजों के लिए, क्योंकि वो अब एक प्रोडक्शन हाउस खोलेगा। हजूरियाल मेरा प्रेजेंट सनी द सुपरस्टार। जादूगर भाई, तुम आज कुछ बताओगे या आज भी साइलेंट मोड में ही रहोगे? नहीं, आज मैं बता सकता हूँ। ओ तो बताओ। एक घर बनाऊंगा, ऐसा घर जिसमें दुनिया के हर ऐशो आराम हो, जहां सब कुछ अपने आप हो जाए सिर्फ आवाज देने पर। ये तो तू अपने मैजिक से भी कर सकता था। मैजिक से कुछ नहीं होता, सिर्फ जिंदगियां बर्बाद होती है। मेरे उस एक इल्यूजन ने मेरी बेटी को हमेशा के लिए पैरालाइज कर दिया। हिल भी नहीं सकती हूं, लेकिन मैं उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं। वो जो बोले बस हो जाए, उसे ये महसूस ही ना हो कि वो कुछ नहीं कर सकती। वो होगी मेरी सबसे बड़ी मैजिक ट्रिक। रॉनी, आई होप कि इन पैसों के साथ तुम उसके लिए हर खुशी खरीद सको। बिल्कुल खरीदूंगा, और अगर पैसे कम पड़े तो ये सब किसके आदमी है?
तुम्हें तो पता ही होगा चार्ली, आफ्टर ऑल यू आर द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। ओ कम ऑन चार्ली, इन बेचारों का आई मीन द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड का दिल मत तोड़ो प्लीज। इन्हें बता दो कि शेला का दिल बहुत बड़ा है और वो उसे कईयों के साथ शेयर करती है अपने पति के सीक्रेट्स की तरह। और कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो पासर चाली को भेज देना प्योर रोमेनियन गोल्ड। उसका या तो मुलावत है या तो हम जैसे शरीफ आदमी। और बोलो कि तुम्हें पता था कि राज के फ्यूनरल पे सिर्फ तुम ही नहीं थे, मैं भी था। और एक और बात, जिस हैकर को दुनिया भर में कोई नहीं ढूंढ पाया वो तुम्हें बैठे बैठे गोवा में मिल गया, जस्ट लाइक दैट। और तुम में से किसी की भी घंटी नहीं बची। तुमने मुझे नहीं ढूंढा, मैंने तुम्हें अपना पता बताया। डिलीवरी दिए बिना कहा जा रहा। तुम्हें लगा कि तुम मेरे पीछे पड़े थे, मगर तुम मेरे पीछे नहीं, मैं तुम्हारे आगे था, हर कदम के एक कदम आगे। हाँ, सिर्फ एक मोमेंट के लिए मुझे ऐसा लगा कि कुछ पत्ते तुम अपने पास रखोगे। सही वक्त आने पर एग्जिट प्लान का भी पता चल जाएगा। पर फिर वो एग्जिट प्लान तुमने मुझे प्लेट पे ला के दे दिया। विक्टर दादा ने एग्जिट प्लान भेजा, जरा चेक कर लो। बस मैंने उस एग्जिट प्लान को थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये जगह विक्टर के एग्जिट प्लान के मुताबिक नहीं, मेरे एग्जिट प्लान के मुताबिक है। जगह भी मेरी, लोग भी मेरे, और तुम्हारे विक्टर दादा के लोग यहां से 30 किलोमीटर दूर कहीं बर्फ में अपने गन्स के साथ डांडिया खेल रहे होंगे। सो कम ऑन चार्ली द मास्टर प्लानर, प्लीज मुझे बता दो तुम्हें ये सब पता था। नहीं, पर मुझे ये पता था कि ये काम मैं कर सकता हूं, अपने दिमाग से और अपनी टीम के हौसले से, और मैंने ये किया। और तुझे पता था कि तू ये काम नहीं कर सकता है। सोना पाने का तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, धोखा। अबे ए मकड़ी, हमारे साथ जो करना है वो कर ले, लेकिन याद रख विक्टर दादा तुझे छोड़ेंगे नहीं। माना इस कहानी का विलेन मैं निकला, मगर मेरे भाई इतना तो क्रेडिट तो मैंने इसके बारे में कुछ तो सोचा होगा। पिछले 10 सालों से मैंने अपने आप को आपसे दूर रखा सिर्फ इसलिए कि आप ना ना। बेटी तुम अंदर रहो, बाहर मत आना, अंदर रहो। पापा, पापा। चार्ली, एक ही दिन में तुमने अपना गुरु, दोस्त और प्यार खो दिया। क्या तुम अब भी जिंदा रहना चाहते हो?
नैना, I'm sorry. यही कहने आए हो ना मुझे? नैना, मेरी बात तो सुनो. क्यों सुनूं? और किन-किन बातों के लिए तुम्हें माफ करूं? इस बात के लिए कि पिछले 10 सालों से तुम मेरे पापा का सीए होने का नाटक कर रहे हो, कि इस बात के लिए कि तुम्हारे दिए हुए लालच के कारण मेरे पापा ने मेरा प्रॉमिस तोड़ा. नैना, मैं स्पाइडर के बहुत करीब पहुंच चुका हूं. और कितनी बार मुझे समझाने की कोशिश करोगे कि स्पाइडर ने पापा को मारा है? गोली उसने चलवाई थी, पर गन के सामने उन्हें खड़ा तुमने किया था. यू किल्ड हिम चार्ली. नैना, और दुख की बात यह है कि मेरे पापा कुछ पैसों के लिए तैयार हो गए. इनफ नैना. अफसोस इस बात का नहीं कि तुमने मुझे गलत समझा, अफसोस इस बात का है कि तुमने विक्टर दादा को गलत समझा है. उन्होंने तुम्हारा प्रॉमिस पैसों के लिए नहीं, अपने सपने के लिए तोड़ा था. इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्फिनेज बनाने का सपना, ताकि फिर कोई बच्चा विक्टर या चार्ली ना बने. And trust me, Nana. ये सपना मैं पूरा करूंगा. सॉरी बेटी, मैंने तुम्हें दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया. मैं कुछ ऐसा करना चाहता था ताकि तुम जब भी मेरे बारे में सोचो तो मैं फक्र हो बेटी. दादा, आपका सपना जरूर पूरा होगा. मेरे पापा के सपने को तुम अकेले पूरा नहीं करोगे. और एक बात चार्ली मास्करिनस, स्पाइडर से पापा की मौत का और गोल का हिसाब मैं लूंगी, आखिरी ग्राम तक का हिसाब. ये लो, विक्टर दादा वापस आ गए. ये रहे हमारे पासपोर्ट्स, वीजा और बाकी के डॉक्यूमेंट्स. जा कहाँ रहे हम? न्यूजीलैंड. स्पाइडर तक पहुंचने का क्लू वहीं से मिला है. रिमेंबर दिस, ये वो आखिरी गोल्ड बार है जो मैंने ट्रेन से उठाया था. पिछले 1 साल से इस गोल्ड बार को लेकर मैं दुनिया भर के गोल्ड मार्केट्स में घूमा हूं, इस खोज में कि कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा डीलर मिलेगा जो ठीक ऐसे ही एक और रोमेनियन गोल्ड बार मेरे लिए ढूंढ सके. ऑकलैंड में एक डीलर मिला.
How many do you want? How many you can find? Give me a week. You call when ready, my boss come do deal. Okay? Okay. और दो दिन पहले उस डीलर का फोन आया था, वो मिलना चाहता है। Yes, we reach Auckland. We should meet today, do deal. Yes, yes, boss also with me. Okay. अब ये boss कौन है जी? आओ दिखाता हूँ boss कौन है। तुझे पता है क्या बोले? This my boss, Mr. Jhaveri Bazaar, India very big gold dealer. Nice to meet you, Mr. Bazaar. So, Mr. Bazaar, how many gold bars would you like to buy? My price, $40,000 per bar. Oh, my phone! I got it. No problem. Boss won't speak astrologer before big deal. We Indians, see? Yes, yes. Indians. Very religious people. हेलो माइक्रोचिप ने काम शुरू कर दिया चाली माने मुहूर्त बहुत अच्छा है ओके चल निकल ले बेटा अपना काम हो गया डील इज ऑन बोस लाइक शेक हैंड व्हेन डील डन ओह यस थैंक यू व्हाट अ स्टाइल सर यू मेड अ डील विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड व्हाट अ पर्सनालिटी कान तरस गई जी सुनने को 15 साल स्ट्रगल किया एक पहला बंदा मिला है जिसने मेरी कदर समझी है लोग तो साले आवारा को देख तरह दुत्कार देते थे बोस वेरी हैप्पी डील डन थैंक यू थैंक यू डग चलिए इंडियंस वेरी रिलीजियस वेरी क्रेजी बिल्कुल मेरे जवेरी बाजार बड़ी एक्टिंग शक्टिंग किया तूने आज आज पता चला मैं कितना बड़ा एक्टर हूँ पर ये एक्टिंग की क्रेडिट डायरेक्टर को जाती है नॉट बैड कब से कर रहे हो ये सब 7 साल 7 साल से 7 साल का था तब से रियली डीलर का कॉल ट्रेस हो रहा है पिक इट अप प्लीज हेलो हाउ आर यू वही है दैट्स स्पाइडर ट्रेस करो I'm good, sir. This time I have a very big order for you. How big? Singapore se signal aa raha hai. Matlab Spider Singapore mein hai. It's 1,000 bars, sir. 1,000 bars. Who's the buyer? Aur ab Mexico. Wo apna signal bounce karwa raha hai. They're Indian, sir. Indian. New Zealand. Spider yahi New Zealand mein hai. Very big man. Is it a confirmed order? Wellington. He's in Wellington. 10 more seconds aur main uska exact location bata sakti hu. It's a confirmed order. Did you do a background check on them? 8 seconds.
5 seconds. No, sir. What? You moron. 3 seconds. But, sir. Oh. Damn. साला 3 seconds और बात करता तो उसके बाप का क्या जाता? At least इतना तो मालूम है कि स्पाइडर वेलिंगटन में। उससे क्या होगा? इतने बड़े वेलिंगटन में कहाँ ढूंढेगा उससे पहले, हाँ? सनी सही कह रहा है। हमें कोई तो क्लू चाहिए होगा, और वो क्लू हमें यहाँ ऑकलैंड में ही मिलेगा। नैना, हाँ? तुम और मैं डीलर के वेयरहाउस को रेड करेंगे। और हम क्या करेंगे? तुम दोनों वही करोगे जो तुम दोनों हमेशा करते हो। कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अबे साले जोर से बोल। कुत्ते। अबे खामोश। चली को राख कहते हैं, बोझे को खाक कहते हैं, और जो राख से बारूद बनाए उसे बिलाल कहते हैं। अबे हाथ संभाल बेरे, वरना आज अगर ये जट पागल हो गया ना तो कईयों को ले मरेगा। I am India, he is Pakistan, and we are fighting like always. But why? अबे साले जब 60 सालों में हमें नहीं पता चला कि हम क्यों लड़ रहे हैं, तो तू क्या समझेगा? हाँ, है ना? चल मार। ओए, no, hey, hey, stop it, move away. साले मजाक में बोल रहा। Stop, मार रहे हैं तू। ये तो करीब 150 एंट्रीज दिखा रहा है। वेलिंगटन की डिलीवरीज चेक करो, स्पाइडर का सोना वहीं से आता है। क्विक क्विक। वेलिंगटन में 5 एंट्रीज है और सिर्फ ये एक एंट्री है जिसमें सप्लायर का नाम और एड्रेस नहीं है, पर डेट और टाइम है। यही स्पाइडर की डिलीवरी होगी। यस। इस डेट और टाइम का फुटेज इस पे चेक करो। रिवाइंड करना। स्टॉप प्ले। ये तो लड़की है चाली। मूव। चल चल। गो। We've got someone up there. इस गाड़ी के नंबर प्लेट पे जूम करो। Write it down. DZG 298. Hey, we're reaching Wellington. Yeah, thanks a lot for the information. I'll see you at the castle. All right, thanks, man. You were right, Charlie. गाड़ी का नंबर वेलिंगटन का ही है। कल तक उस गाड़ी के ओनर का नाम और पता मिल जाएगा। The address. Great. चार्ली, उस लड़की का एड्रेस मिल गया। शायद वही है जो गोल्ड डीलर के वहां डिलीवरी देने आई थी। उसका नाम पैमेला है। ये गाड़ी बीच में कहां से आ गई? जितना टाइम इस चेक पोस्ट को क्रॉस करने में लगेगा उतनी देर में तो ये निकल जाएगी। Excuse me, officer. Yes. Is there a problem? We're in a bit of a hurry. There's been a theft at the museum. We're checking every car. चली, वो निकल रही है। Open your boot. Nena? Mehndi, yahi to thi. Kahan gayi? So where's it going to be? Your place or mine? Take right. Oh, your place. Awesome.
stop. Here? You want to do it here? In your dreams, baby. What the? Hello? Naina, kahan ho tum? वहीं जहां मुझे होना चाहिए, स्पाइडर के वेब के ठीक सामने। कमीनी ने इतना बड़ा महल खड़ा कर लिया है, कहीं सारा का सारा सोना तो उन्हें बेच दिया? इम्पॉसिबल। स्पाइडर उतना ही सोना निकाल रहा है जो कि रशियन माफिया और रशियन गवर्नमेंट की नजर में ना आए। करेक्ट। बिलाल, क्या तुम एक एक्सरे स्कैनर का इंतजाम कर सकते हो जो पूरे कासल में गोल्ड कहाँ है डिटेक्ट कर सके? वो तो मैं बना लूंगा, लेकिन उसको चलाने वाला सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा? मैं क्या मिस्टर इंडिया हूँ जो दिखाई नहीं देती? लो, हम ये कैसे भूल गए कि जो स्पाइडर को ढूंढ सकती है वो सॉफ्टवेयर भी बना सकती है? क्यों चार्ली भाई? लो, हो गया इसका हैप्पी बर्थडे। थोड़ा से पिला दो और ले लो जिंदगी के सारे मजे। लड़के ही मजे नहीं लेते, कभी कभी लड़कियां भी ले लेती हैं। What do you mean? Nothing, just speaking from personal experience. तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारे बर्थडे की शाम मैंने कुछ। छोड़ो ना नैना, let it be. अरे बताओ ना चार्ली। यही कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे करीब खींच लिया, उसके बाद मैंने तुम्हारी आंखों में देखा और कहा आई लव यू रिया। व्हाट? बिलाल, चाली, क्या हुआ? अभी अभी मैंने इस मार्केट की सीसीटीवी पे रिया को देखा है। रिया? यार रिया। Are you sure कि रिया ही थी? I'm sure. यही है वो फार्मेसी जहाँ पे रिया खड़ी थी। वो रही रिया। के बाद स्पाइडर और उसके आदमी वहां से चले गए और मुझे मरा हुआ समझ के वहीं छोड़ गए। मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया और मैं खुद को भी खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। बस मेरी लाइफ का एक ही मकसद था, स्पाइडर से बदला, इसलिए उसे ढूंढते हुए वेलिंगटन पहुंची। लेकिन रिया, स्पाइडर को ढूंढने में हमें इतना वक्त लग गया, तुमने अकेले उसे कैसे ढूंढा? स्पाइडर जो सालिशान विला में रहता है वो मैंने पसंद किया था।
My dream mansion in Wellington. अगले महीने इसका ऑक्शन है. Starting bid is $10 million. हो सकता है कोई तुमसे बड़ी बोली लगा दे ऑक्शन में तो. यहाँ पहुँचते ही मेरा शक सही निकला. उसने वो विला सच में खरीद लिया था. यार मैं भी तो था उस ट्रक में. फिर ये विला वाली बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? कोई फायदा नहीं था सनी. स्पाइडर हाईटेक सिक्योरिटी के बीच रहता है, इसलिए अब तक मैं भी कुछ नहीं कर पाई हूँ. जो तुम आज तक नहीं कर पाई वो अब करोगे, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो रही है. इस डिवाइस से अंदर रखा हुआ गोल्ड डिटेक्ट हो जाएगा चाली, लेकिन उसके लिए हमें इस डिवाइस को गोल्ड के ऊपर ले जाना होगा. मतलब इसके लिए स्पाइडर के विला में घुसना होगा, पर ये होगा कैसे? इट्स पॉसिबल. शहर के अलग अलग नाइट क्लब से स्पाइडर रोज रात एक नई लड़की को बुलवाता है. कभी चाइनीज, कभी इटालियन, कभी टर्किश. एक ब्राजीलियन वेटर्स से दोस्ती थी मेरी, उसे भी इसी तरह स्पाइडर ने बुलाया था. दैट्स हाउ आई नो. मतलब हमें किसी लड़की का इंतजाम करना पड़ेगा? नहीं, ये स्पाइडर का शहर है, किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते. मैं जाऊंगी. इस ग्रुप में सिर्फ मैं हूं जिसे स्पाइडर नहीं पहचानता. और तुम स्पाइडर को नहीं पहचानती, इसलिए बच्चों जैसी बातें कर रही हो. मैं जानती हूं कि मैं क्या बात कर रही हूं. अगर तुम्हारे पास इससे बेटर ऑल्टरनेटिव है तो बता दो, अगर नहीं है देन जस्ट स्टे आउट ऑफ इट. रिया सही कह रही थी नैना, ये आसान काम नहीं है. डोंट टेक इट पर्सनली. मेरे लिए पर्सनल है. मैंने अपने पापा को खोया है. मैं यहाँ सिर्फ अपने पापा के मर्डरर से बदला लेने आई थी, और आज जब मौका मिल रहा है तो मैं पीछे हट जाऊं? नो, नेवर. आई एम गोना फेस दैट मॉन्स्टर. ठीक है. Ensy-wensy spider crawled up the water spout. Down came the raindrop and washed the spider out. Washed? Nah. Dress me up, baby. Here's a bottle of champagne with an invitation card for you. जैसी गाड़ी हमें चाहिए वो यहां मिल तो जाएगी ना? शोर यही जगह है? हाँ, मेरे कॉन्टैक्ट ने तो यही बताया था, कहा कि बंदा जीनियस है, हर तरीके की गाड़ी दे सकता है. अरे भाई कोई है? घोड़ा, कुत्ता, बंदर तीनों यहाँ आ चुके हैं. अरे आप बेफिक्र रहिए, तीनों की ऐसी ठुकाई करूंगा कि शक्लें बदल जाएंगी. ओके, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं गाड़ियों की बात कर रहा था. मैंने आपको पहले कहीं देखा है?
एम्स्टर्डम में देखा होगा, लेकिन वो मैं नहीं था, मेरा भाई बुद्ध चोपड़ा बीसी, आई एम एमसी मंगल चोपड़ा। मैं मंगल की रात को 11:55 को आया था और उसको आते आते 12 बज गए, वो मंगल से बुध हो गया, दो जिस्म और एक जान। नहीं छोड़ूंगा उसको। किसको? भाई को? उसको जिसने मेरे भाई की ज्वेलरी शॉप लूट ली, रोड पे ले आया उसको, नहीं छोड़ूंगा, टुकड़े टुकड़े करूंगा, चोर बाजार में बेचूंगा। सर ये वो चोर नहीं है। भैया माता जी ने क्या बताया था? हमारे यहाँ बड़ों के बीच में नहीं बोलते। आपके बेटे हैं? मुझसे तो यही कहा गया था भाई। लेकिन ये तो आपको शक है क्या? नहीं शक होना चाहिए, मैं रोज करता हूँ। माँ पे गए। ये है सूर्य प्रकाश, वो है चंद्र प्रकाश, और ये है मेरी बीवी शांति, अनिल कपूर की सौतेली बहन झक्कर। नमस्ते। नमस्ते शांति, मेहमान आए हैं, इनको चाय वाय तो पूछो। अभी लो जी, चाय थे, प्याज थे, पकौड़े। भाई साहब आप अदरक लेते हैं ना चाय में? जी हाँ। अच्छा चलो बेटे, माता जी आज हम मंदिर जाएंगे। How Indian? अरे इन्हें भी मॉडिफाई कर दिया मैंने, क्योंकि गाड़ियां विदेशी लुक में अच्छी लगती हैं और फॉरेनर्स हमेशा इंडियन संस्कार में अच्छे लगते हैं। धन्यवाद। ये है हमारे रामू काका। नमस्ते। नमस्ते। ये पहला इंडियन होगा जिसने गोरे को गुलाम बनाया है। कुछ कहा बेटा? नहीं पायलागु काका। जीत रहो बेटा। हाँ अच्छा भैया कौन सी गाड़ी? हेलो काका गे, गाड़ी कौन सी चाहिए बताइए? केकड़ा, बारासिंगा, कुत्ता? उसे क्या बोलते हैं, वो चाहिए। गेंडा आप लोग नाश्ता कीजिए, फिट फाट करके ठीक कर दूंगा। काका, काके को उठाओ, गेंडा को तैयार करो। स्मार्ट गर्ल, वो संभाल लेगी। डिवाइस ने सिग्नल देना शुरू कर दिया। लो जी कैमरे ने भी काम शुरू कर दिया है। तो देखो बिलाल, यही गाड़ियां खरीदना चाहता था ना तू? Show me baby. Let her in baby. Please come. ऑटोमेटेड विला, रॉनी का सपना, साले ने हमारा सोना ही नहीं, हमारे सपने भी चुराए। नेक्स्ट। Open the web, baby.
हमारा सोना क्या चुराया? ये तो चमकने लगा। परेशान मत हो मेरे, घिस घिस के साले की चमक निकालेंगे। Nice place. You're one rich dude, huh? दुनिया में ऐसे कुछ बेवकूफ थे जो अपना पैसा नहीं संभाल पाए, उन्हीं की मेहरबानी है। वैसे तुम जैसी एक खूबसूरत इंडियन यहाँ क्या कर रही है? ये सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ। Well, I'm here on business. And I'm here to have some fun. जरूर सोना उस दरवाजे के पीछे होगा। First the bed, baby. Then the jacuzzi. Close it, baby. Come on, Lena. मिल गया, साले के जकूजी के नीचे ही अंडरग्राउंड वॉल्ट है। नैना को सिग्नल भेज दो कि बाहर आ जाए। हेलो एवरीबॉडी, चार्ली तुम भी ना, जिस तरीके से तुमने रिया को जनरल योगरोफ के पास भेजा था, उसी तरीके से तुमने इसे मेरे पास भेज दिया। Everybody out. I said out! Welcome to my web, said a spider to a fly. जब तुम्हारे जिंदा होने का और यहाँ विलिंगटन पहुँचने का मुझे पता चला, I was really happy. Spider, my car was followed from home this morning. No, you dumb woman. You've been followed from Auckland. जिस डीलर से तुमने मेरे बारे में पता किया, उसी से मैंने तुम्हारे बारे में। और अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मुझे लगा कि लाइफ में फिर से एक और बार एक्शन होगा, मगर तुम भी ना चाली, वही घिसी पिटी तरकीबें, वही पुरानी सोच, और तुम्हारी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से पहले वो बेचारा मदारी रॉनी, फिर वो बुढ़ा विक्टर। अगली बार मेरे पापा का नाम लेना तो इज्जत से लेना। घूर क्या रहा है? शुक्र कर कि मेरा लेफ्ट हैंड था। Open the door, baby. Oh, Charlie's got a gun now. क्या करेगा? मारेगा? मार? तू मरेगा तो जरूर, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। सबसे पहले मैं तेरी सबसे प्यारी चीज चुराऊंगा जिसमें तेरी जान बसी है। तेरा ये सोना आखिरी ग्राम तक। Gone. In the next 48 hours. Open challenge, huh? Man to man, player to player. मगर 48 घंटे कुछ कम नहीं है। I mean, तुम दो दिन में ऐसा क्या कर सकते हो जो जो आदमी दो मिनट में तुम्हारी इस वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ा सकता है, तुम ही सोचो वो दो दिन में क्या करेगा। पहली बार तुमने मुझे इंप्रेस किया चाली, आई लाइक इट। 48 hours and your time starts now. Tick tock, tick tock. तुम घड़ी पे ध्यान दो, मैं सोने पे ध्यान देता हूँ। फिलहाल मुझे लगता है मेरी घड़ी फास्ट है। 48 घंटों में कितने घंटे रह गए जी?
पिछले 6 घंटों में तुम ये 12वीं बार पूछ चुके हो। सॉरी जी, पर थोड़ी टेंशन हो रही है। वहाँ तो चौड़े होके बोला ये 48 आवर्स, अब कहीं झंडू ना हो जाए। और वैसे भी बोलना ही था तो 72 बोल सकते थे, 96 बोल सकते थे, पर नहीं 48। मैं तो इसे समझा रहा था कि अरे पगले, चार्ली भाई ने अगर 48 बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा। सनी, सोच के ही बोला है। डब्रोस्की को मॉस्को से वेलिंगटन आने में इतना टाइम तो लगेगा। हाँ? बिलाल डब्रोस्की को फोन करो, उसे कहो कि उसे जिस सोने की तलाश 1 साल से है वो यहां वेलिंगटन में है, और अगर उसे वो चाहिए तो 48 घंटे के अंदर यहां पहुंच जाए। ये क्या कह रहे हो चार्ली भाई? अगर रशियन माफिया आ गया तो सारा सोना तो वही ले जाएगा। हमारा यहां आने का पहला मकसद बदला था, सोना चुराना नहीं। चार्ली इज राइट, इट्स नॉट अबाउट द गोल्ड। हमें दुब्रास्की को बुला लेना चाहिए। दिस टाइम यू स्टे आउट ऑफ इट नैना। मिलिट्री कमांडोस के बीच से सोना तुमने नहीं, हमने चुराया था। चार्ली, हमने इतनी जल्दी हार मान ली? कुछ चीजें हार और जीत से बड़ी होती है रिया। डब्रोस्की को फोन लगाओ। बेबी, आज भी इस गन में रबर बुलेट्स हैं। इस माइक्रोफोन से सब सुन ही लिया होगा। चार्ली मास्करेनास, व्हाट अ लूजर। इन्फॉर्म कर दिया रशियन माफिया को। सॉरी बेबी, मैं उन्हें ज्यादा रोक नहीं पाई। डोंट यू वरी, मेरे गोल तक ना चार्ली पहुंच सकता है ना ही रशियन माफिया। मेरा नहीं, हमारा गोल्ड। Oh, now that's what I like about you, your attitude. पर अब क्या करना है? करना क्या है? कर दिया है। Now that's what I like about you, you're fast. Bad news. अब क्या हुआ? मेरे कॉन्ट्रैक्ट से खबर मिली है कि एस सिक्योरिटी से स्पाइडर ने एक आर्मर ट्रक हायर किया है। मतलब 48 घंटे पूरे होने से पहले अपना सोना निकल रहा है? डोंट पैनिक सनी, ये अच्छी खबर है। सोना अब हम वेलिंगटन की सड़कों पे से चुराएंगे, जैसे हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं, दिन दहाड़े। वाओ, व्हाट एन आइडिया चार्ली, तुमने ये सब इतनी जल्दी सोच लिया। Now that's what I like about you. You're fast. सबसे ज़्यादा fast तो तुम हो, baby. What a chick. अब plan जरा detail में बताओ. Plan number 1. Sunny, तुम इस शहर के सारे नक्शे लाओगे. Road के ऊपर के map और road के नीचे जो tunnels हैं, उनके map. के हिसाब से तो यहां रास्ता होना चाहिए था। इसे मार्क करो।
प्लान नंबर टू, नैना कल कुछ घंटों के लिए तुम्हें वेलिंगटन को मुंबई बनाना होगा, वेलिंगटन का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम करके। हो जाएगा चार्ली, वैसे भी हम इंडियंस को ट्रैफिक जाम करने में बहुत मजा आता है। प्लान नंबर थ्री, रिया तुम हमारा एग्जिट प्लान संभालोगी। बिलाल की मदद से तुम एक शिप ढूंढोगी जिसमें हम गोल न्यूजीलैंड से बाहर ले जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर दिस, दैट्स योर शिप। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें ऐसी गाड़ियों का इंतजाम करना होगा जो दिखने में सबसे छोटी हो लेकिन दौड़ने में सबसे आगे। परफेक्ट टाइमिंग चार्ली, इतना ज्यादा वेट होते हुए भी गाड़ियां बिल्कुल भी स्लो नहीं हुई। देखा आप लोगों ने, यही तो है मेरे चूहों का कमाल, ये कहीं भी घुस सकते हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं और कितना भी बोझ उठा सकते हैं। अगर इनको रेस में दौड़ाऊं ना, बाय गॉड गोल्ड ही जीत के लाएंगे। गोल्ड ही तो जीतना है, है? एक काम और था। बोलो बोलो। क्या बात है मेरे या? तेरा तो प्रमोशन हो गया। सारा सोना मैं ही लाऊंगा इसमें भर के। अच्छा तेरे पैर तो पहुंचते हैं ना उधर नीचे? ए, बिल्कुल। हाँ? पहुंचते हैं। हाँ। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम किससे बात कर रहे थे? नर्स चली गई होगी, मेरी बच्ची के हाथों में इतनी भी ताकत नहीं कि वो अपने पापा को फोन कर सके। एक नर्स है जो कभी कभी उससे बात करवा देती है, लेकिन अगर इसे तुम्हारे रोज ब्रेक होते हैं तो उसे कह दूंगा कि मुझे फोन ना करे। आखिर ये सब मैं उसी के लिए तो कर रहा हूं। ऐसा कोई रूल नहीं है रोनी, जो एक बाप और बेटी के बीच में हो। Hey, सुपर गर्ल। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लगता है मेरी गुड़िया मुझसे नाराज है। और नहीं तो क्या, एक साल से स्टूपिड बना रहे हो, जल्दी आऊंगा जल्दी आऊंगा। कब आओगे आप मेरे पास? बहुत जल्द। और वो सरप्राइज जो आप लाने वाले थे? उसी सरप्राइज की वजह से तुमसे इतना दूर हूं। बड़ा सरप्राइज है ना, इसीलिए लाने में ज्यादा टाइम लग रहा है। और इस बार आएंगे तो मुझे मैजिक सिखाएंगे ना? मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बोल दिया कि मैं बड़ी होके मैजिशियन बनूंगी, अपने पापा की तरह। मेरे पापा जैसा और कोई नहीं। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा जैसा कोई भी नहीं। बाय गुड़िया। बाय। दिस वन्स फॉर रॉनी एंड विक्टर दादा। चीयर्स। चीयर्स। मे द बेस्ट प्लेयर विन।
Hurry up, boys. सनी कमिन कमिन कर गया जी. बोलो सनी, पोजीशन पे पहुंच गए? हाँ बिल्कुल, बस गोल का वेट हो रहा है जी यहाँ. चार्ली, यू वर राइट. गेम ऑन गाइस. नैना, तुम गोल ट्रक को फॉलो करो. ओके. Sharp left. 3, 2, 1, go! No, not again, goddammit! अरे गुस्सा क्यों कर रहे हैं मेरी जान? बस थोड़ा सा ही तो रह गया है. बिलाल, मैं तैयार हूं. सनी, ट्रक को मार्क पे लेके आओ. ओके. चार्ली मछली टनल में डुबकी मारने के लिए तैयार है.
बड़ा प्लान चार्ली। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब तुमने मेरा सोना चुरा। तोपा 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 आया आया अबे साले तू यहाँ पे क्या कर रहा है? जो बोला है वो कर और जहाँ बोला है वहाँ पे पहुँच। बस एक बार सोने की मुंह दिखाई कर लूँ फिर चला जाऊंगा। सनी सोना ट्रक में नहीं है, ट्रक खाली है। खाली है? मैंने ट्रक के टायर का प्रेशर चेक किया था विला के अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए, और दोनों सेम थे। तो फिर ये ट्रक उड़ाया क्यों? ताकि तुम्हारे ऊपर जो कौवा मंडरा रहा है उसे ये लगे कि हम उसके जाल में फंस गए और अब वो आराम से सोना निकाल सकता है। मतलब सोना कहीं और से निकाल रहा है? Let's go. Pamela, get the coal truck out and get it straight to my airstrip. Sure, boss. Yes, Pamela. Sam, we're coming out. Yes, we are ready at the exit point. Move. ट्रक आ रहा है, गेट रेडी। 3, 2, 1। Ready to die. ये था मेरा राइट हैंड। Pick up your bimbo. Your bimbo is gone. Agla number tera hai. Kaun? Tera paap. Tera gold leke ja raha hu. Jo khadna hai, khad le. Charlie. Yes, boss. And बेवकूफ सोना चोरी हो गया है। Go inside and kill them. Okay, boss. Come on, guys.
लोग मरीना डॉक पहुंच रहे हैं। Everything ready there? Absolutely. तुम लोग ही वेट कर रही हूँ। मरीना डॉक। Careful guys. इन्हें कुछ होना नहीं चाहिए, okay? सरप्राइज। कहानी में ट्विस्ट लाना मेरी आदत सी हो गई है, जिस तरह तुम्हारी आदत हो गई है चार्ली प्रेडिक्टेबल होने की। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, तुम्हारी पुरानी साथी। और तुम्हें लगा कि तुम्हारी मुलाकात इससे दोबारा फ्ली मार्केट में हुई, मगर माफ करना दोस्तों, ये सबसे पहले तुम सब पे नजर रख रही थी मेरे लिए। क्यों क्या ऐसा? चॉइस नहीं थी मेरे पास चार्ली, क्या करती? एक बेसहारा लड़की जिसे दुनिया से अकेले लड़ना था, अपने और अपने बूढ़े माँ बाप के सपने पूरे करने थे। ऐसी कोई स्टोरी सुनना चाहते हो ना तुम? बुलशिट। सच तो ये है दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बी विद द विनर, और मॉस्को के उस क्लब में उस रात आई फाउंड माय विनर। नहीं, ये जो इंतजार करना होता है ना, गॉड, आई नीड अ ड्रिंक। It's okay. One apple martini, please. Spidey, give me a cigarette. मैं सिगरेट नहीं पीता। ओह। तो ये पैकेट किसका है? और ये क्या? हमारी रॉबरी के बाद का एग्जिट प्लान? स्मार्ट स्पाइडी, अगर ये बात मैंने किसी को नहीं बताई तो? कहने को तो मेरे पास चॉइस थी तुम्हें स्पाइडर का प्लान बताने की, लेकिन स्पाइडर के बगैर मिशन इम्पॉसिबल था। और फिर मुझे क्या मिलता? ZERO, जीरो। मतलब पैसे के लिए तूने? नौटंकी बंद कर, बता सोना कहाँ है? इतनी बड़ी जगह है, जा सोना है सो जा। That's my gold. Hey,
सरप्राइज सरप्राइज, अगर गोल्ड गाड़ी में नहीं है तो फिर कहां है स्पाइडर? सॉरी रिया, मेरे पास भी चॉइस नहीं थी। तुम तो 5,000 करोड़ पे बैठी थी, फिर क्या जरूरत थी वेलिंगटन म्यूजियम से वो पेंटिंग चुराने की? वो निकल रही है। तुम तो रिटायर हो सकती थी, बट देन रिटायर तो सिर्फ पुलिस वाले होते हैं, चोर नहीं। इसे पता था, इसे तुम्हारे बारे में सब पता था, यू डम वुमन। इस बेचारी को क्यों डांट रहा स्पाइडर? ये तो अपनी आदत से मजबूर थी। असली बेवकूफ तो तू है, तुझे क्या जरूरत थी वही चुराई हुई पेंटिंग अपने विला में शान से लगाने की? ओपन द डोर बेबी। 5,000 करोड़ का मालिक और अपने विला में लगाता क्या है? एक चुराई हुई पेंटिंग। सस्तेपन की भी हद होती है। ये सब सुन के बोलती बंद हो गई, लेकिन घड़ी तो चल रही है ना, टिकटॉक टिकटॉक। 48 घंटे पूरे होने में अभी भी 1 घंटा बाकी है। पता है स्पाइडर तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि तू हमेशा आगे चलता है, और जो ज्यादा आगे चलता है उसे यह पता नहीं चलता कि कब उसके पीछे पूरी गेम पलट गई। और रही बात कहानी में ट्विस्ट की, तो तू ये कैसे भूल गया कि आखिरी ट्विस्ट विलेन का नहीं, हमेशा हीरो का होता है? अब तो ये ट्विस्ट तुम्हारे जैसे बेवकूफ को भी समझ में आ गया होगा। मैंने तुझे वही इंफॉर्मेशन दी जो मैं चाहता था कि तुझे मिले। डब्रोस्की को फोन लगाओ। मैं जानता था कि रशियन माफिया की झूठी खबर सुनते ही स्पाइडर अपने वेब से बाहर निकल आएगा, और तू आ गया। हाउ प्रिडिक्टेबल। नो चार्ली, मैं तुम्हें बताता हूं कि प्रिडिक्टेबल कौन है। मैं अगर चाहूं तो यहां किसी के भी सर पे बंदूक रख सकता हूं, मगर मैं उसके सर पे बंदूक रखूंगा, द चीट हू बिट्रेड यू। स्पाइडी तुम क्या कर रहे हो? चिल बेबी, तुम्हारी एक्सपायरी डेट खत्म हो गई है, और वैसे भी 6 महीने में जो इन्फॉर्मेशन तुमने देनी थी तुमने दे दी है। और रही बात वफादारी की, तो जब तुम चार्ली जैसे अच्छे आदमी की नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी? चिल बेब, इस बार कल में असली बुलेट्स है। डिड आई ब्रेक योर हार्ट? चार्ली, क्या तुम जानते हो उसने मुझे वो रबर बुलेट वाला नाटक करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी चार्ली। वो नहीं चाहती थी कि मरने से पहले तुम जानो कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। तुम किसी की जान तो ले सकते हो, मगर उसका दिल नहीं तोड़ सकते। Women, I tell you. So my predictable good man, मुझे बताओ मेरा सोना कहाँ है? यही है वो विनर जो तुमने चुना था। Come on, Charlie, tell me. Tell me, Charlie. I don't have all the time. Charlie, मुझे बताओ नहीं तो मैं इसे गोली मार दूंगा। You're wasting my time, Charlie. मैं इसे गोली मार दूंगा। Wait. बताता हूँ।
ही नहीं है गोल्ड का है। जिंदगी भर मुझे अफसोस रहेगा कि मैं तुझे मार नहीं पाया। Возьмите трубочку. Давай. Алло. Romanian gold? Where in Wellington? Алло. 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 Пошли. ये तीनों गाड़ियां कौन सी है? एक मिनट मैं बताता हूँ बरगुरदार, ये तीनों गाड़ियों का ट्विस्ट। तो अब बात समझ में आई, सोने से भरी गाड़ियाँ यहाँ छोड़ दी और ये खाली गाड़ियाँ ले गए। क्या बात है चार्ली भाई। All thanks to MC and his family. अरे भाई आप हिंदुस्तानी हो और हर हिंदुस्तानी के लिए जान भी हाजिर है। चलिए चलिए चलिए, कम ऑन, बाय बाय। थोड़ा रुक जाते तो सत्यनारायण की कथा का प्रसाद लेके जाते। अरे मेरी जान, उनको प्रसाद मिल चुका है, अब बढ़ रही है मेरी हंगर, चलें घर के अंदर। चलो चलो। नहीं नहीं, अरे चल, खाने की बात कर रहा हूँ। Russian mafia. Everyone be cool. कोई इनके साथ बहस नहीं करेगा। प्रवीण, एक मुश्किल। But sir, please. Shut up. Understand? Empty. No gold. नो गोल्ड? साला इन गाड़ियों में भी नहीं है, तो गोल्ड गया कहां? चुपचाप कर रहे क्यों बे मेरे, बड़े गुस्से में लग रहा है। ए देख बेरे, आज पंगा मत ले, 1,000 करोड़ का नुकसान खा के बैठा है ये आदमी। अरे जान लगा दी सोने के पीछे और मिला क्या, बाबा जी का घंटा। घर जाके बाप को क्या बोलूंगा। ये गाड़ी है ना तेरे बाप के लिए। ओए क्या गाड़ी गाड़ी लगा रखा है। चलो चलो छोड़ो ये सब, शैंपेन पिलाओ इसे। हाँ जहर पिला दो थोड़ा। तुम जहर नहीं शैंपेन पियोगे। अरे ये गाड़ी तो छोड़ देते, एक यही तो निशानी थी।
वो तेरी, ये सोने की है? और बाकी गाड़ियाँ? तुम्हें क्या लगता है, आप गाड़ी सिर्फ स्टील या लोहे की बनाते हैं यार? अरे तांबे की, पीतल की, फाइबर की, थर्माकोल की, आप जो बोलो फटाफट। यूं सोने की? हाँ तो बोल, सोने की। सोने मतलब सोना गाड़ियों में नहीं था, गाड़ियाँ ही सोने की थी।